नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज आपके लिए इस वीडियो में कुछ यूनिक चीज़ लेके आया हूँ मैं, जो कि मैंने अमेज़ोन से मंगवाई है। आप भी मंगा सकते हो अगर कुछ फ़न करना चाहते हो तो। उसके लिए एक दिन मैंने भी बैठे बैठे देखा तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी तो मैंने मंगवाई है। सोचा आपके साथ वीडियो शेयर करूँ, इसका एक वीडियो बनाकर। तो एक ये एक मैजिक पेंट है जो कि अंधेरे में ग्लो करता है, एक तरह की चमक आती है इसमें। तो वही चीज़ आज अपन देखेंगे कैसे क्या ये वर्क करती है। पूरा देखना वीडियो, आप बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो देखिए, मैंने ये अमेज़न से मंगवाया है, सारी डिटेल इसके ऊपर लिखी होती है, कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे लगाना है, क्या है, वो सारा आप अगर वीडियो स्टॉप करके देख सकते हो। ये देखिए इसकी पैकिंग। ये मैंने 100 ml मंगवाया था, इस पर 625 रुपये लिखा है, पर आपको अमेज़ॉन पर ये आराम से 450 रुपये के आज समथिंग कुछ मिल जाएगा। एग्जिट में भूल गया हूँ, मैंने बहुत पहले मंगवाया था। ये देखिए इस पर लिखा, साफ साफ लिखा है ग्लो, इसका जो नाम है, उस तरह का इसका काम है या नहीं वो देखेंगे अपन इस वीडियो में। तो इसको लगाने से पहले आप अच्छी तरह से पहले इसको मिक्स कर लें, फिर इसको लगाए आप। इस पर लिखा हुआ भी है, ये पेंट कुछ अलग तरह का पेंट है, जैसा अपना नॉर्मल इमल्शन आता है वैसा नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरी उंगली पर, ये अलग ही है पूरा। मैंने इसको छू के देखा तब भी मुझे कुछ अलग ही चीज़ लगी, जैसे कुछ दानेदार हो अंदर, जैसे रेडियम होता है, रेडियम चमकता है वैसे, चमकाने के लिए होगा शायद। तो अपन ने लिया एक ट्रे ली है, एक ये एब्रो टेप अपना ग्लो पेंट और एक 2 इंच का रोलर लिया है मैंने, और इसको एक स्टेंसिल पर अपन लगा के देखेंगे डिज़ाइन में कि ये कैसी होती है। तो सबसे पहले इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे, उसके बाद मैंने ट्रे में निकाल लिया है, जितना मुझे यूज़ करना है उतना ही निकाला है, लगभग आधा 50 ml के आसपास मैंने निकाला है। और ये एक 2 इंच का ब्रश लिया, रोलर लिया है, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे पहले। अगर आप फन के लिए मंगाना चाहते हो तो ही मैं इसको रिकमेंड करूँगा कि हाँ कुछ यूनिक चीज़ करनी है, यूनिक चीज़ देखनी है, तो आप इसको बिल्कुल मंगवाइए अमेज़ोन से टाइम पास के लिए। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे अपन, फिर इसको मैं अप्लाई करूँगा। ये देखिए, ये मैंने ले लिया है अपने एक स्टेंसिल 13x13 की। स्टेंसिल का वीडियो मैंने अभी एक वीडियो बनाया था, अगर आप स्टेंसिल की नई नई डिज़ाइनें देखना चाहते हो तो मेरे एक चैनल के अंदर जाकर आप वीडियो देख सकते हो, बहुत ही शानदार डिज़ाइन है मैंने बताई हुई है उसके अंदर। तो इस तरह से पहले स्टेंसिल को चिपका देंगे अपन। मैं स्टेंसिल के डिज़ाइनों के ऊपर भी एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, तो आपको अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको अलग अलग और डिज़ाइन है जो लाइव बना के भी बता सकता हूँ स्टेंसिलों के अंदर, तो वो भी आप मुझे बताइए। लगाने के बाद टेप लगा, एब्रो टेप लगाने के बाद मैंने इस पर 3 कोट किए हैं पूरे, जिसमें मैंने लगभग 20-20 मिनट का गैप लिया था, क्योंकि मुझे ये पेंट बहुत जल्दी सूख रहा था, तो मैंने 20-20 मिनट के अंदर इसके बाद ऊपर 3 कोट किए। ये पहला कोट किया मैंने, उसके बाद मैंने इसके ऊपर 2 कोट और किए। मैंने भी फर्स्ट टाइम ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, तो मुझे भी पता नहीं था कितने कैसे, 1 कोट में होगा, 2 कोट में होगा, 3 कोट में होगा, तो मैंने 3 कोट किए हैं। और एक चीज़ इसमें और मैं आपको एड ऑन करना चाहता हूँ, अगर आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हो तो, कि ये चीज़ ऐसे नहीं चमकेगी। इसको चमकाने के लिए पहले इसको थोड़ी बहुत लाइट होती है, तो जैसे अपन किसी चीज़ को चार्ज करते हैं उसके बाद चलती है, वैसे उस टाइप की चीज़ है। तो जैसे इस पर लाइट, अपने रूम में जैसे डिज़ाइन बनाई और लाइट चली और फिर लाइट बंद कर दी अपन ने, तो उसके बाद ये ग्लो करता है कुछ 5-10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा ग्लो करता है ये, उसके बाद ये डिम पड़ जाता है। तो मैंने ये पूरी प्रक्रिया करने के बाद मैंने एक जो क्लिप ली थी वो मेरे से मिस हो गई है, जो मैंने अंधेरे में ली थी, तो मैंने इसका जो डब्बा था उसी को आपको अंधेरे में ले जाकर उसका एक क्लिप बनाया है, तो वो चीज़ मैं आपको वीडियो के अंदर इसमें दिखा रहा हूँ। जो इसकी क्लिप थी वो मेरे से मिस हो गई थी, तो आप देखिए ये जो डब्बा है इस तरह से इसका ग्लोनेस आता है। ये मैंने अंधेरे में इस डब्बे को किया है, इसको भी मैंने रिचार्ज किया था फ्लैश लाइट से, थोड़ी देर उसके ऊपर रखा, उसके बाद मैंने लाइट बंद कर दी, तो इस तरह की ग्लो आता है। और रियलिटी में भी ये दीवार पर भी आपको इसी तरह का ग्लो देता है, जो कि मैंने खुद देखा था, पर मेरे से किसी कारणवश वो क्लिप मिस हो गई है। तो आप अगर चाहें सिर्फ